वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं नीट फेज टू रजिस्ट्रेशन डेट, आंसर की डेट और एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं ऑथेंटिक न्यूज़ देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, सबसे पहले आइए आपको मैं बता देता हूँ जो बहुत सारे छात्रों के अभी तक क्वेरीज़ आ रही हैं नीट फेज टू रजिस्ट्रेशन को लेकर। साथियों, उसमें बहुत सारे छात्र हैं जो पूछ रहे हैं क्या नीट फेज टू रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है या नहीं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, नीट फेज टू रजिस्ट्रेशन सभी छात्रों के लिए कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप नीट फेज टू का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। साथियों, इसलिए आप सभी को जैसे ही आंसर की जारी किया जाता है उसके बाद नीट फेज टू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और आप सभी को करना मैंडेटरी है। इसलिए आप सभी लोग अपना नीट फेज टू का रजिस्ट्रेशन कंपल ज़रूर करवा लें। और साथ ही आइए आपको मैं बता देता हूं कि अब आंसर की डेट कब आने वाली है। दोस्तों, अभी न्यूज़ सोर्स के माध्यम से ऐसी इन्फॉर्मेशन लग रही है कि NTA जो कि आंसर की बहुत जल्द जारी करने वाला है, डेट एक्सपेक्टेड रखा है उन्होंने 7 अक्टूबर, यानी 7 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड डेट ये आ रही है कि वो अपना जो कि आंसर की जारी कर देंगे, लेकिन रिजल्ट आने की जो डेट है वो हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो। तो साथियों, आप सभी को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और इसमें NTA के जो डायरेक्टर हैं विनीत जोशी जी, इनका अहम योगदान है जो कि आंसर की लेट होने में। जैसा आप जानते हैं और सभी एग्ज़ामों में होता ये है कि आंसर की एग्ज़ाम होने के अधिकतम 1 हफ्ते तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो लगभग 20 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी तक आंसर की नहीं जारी किया है। तो साथियों, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, आप सभी को ट्विटर पर ट्रेंड करवाना चाहिए कि जो NTA के डायरेक्टर विनीत जोशी जी हैं इनको बदला जाए। तो देखते हैं कि अभी क्या डेट आता है ऑफिशियल एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसको लेकर। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो साथियों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।